अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने जिले की लोक परिशांति के अनुरक्षण क्रम में लोक व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से अरुण गौतम उर्फ कमांडो पिता राधेश्याम गौतम निवासी जोरिया टोला सोनौरी थाना सुहागी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के प्रतिवेदन पर की गई है। उल्लेखनीय है कि अरुण गौतम उर्फ कमांडो वर्ष 2018 से लगातार योजनाबद्ध होकर गंभीर अपराध घटित करता चला आ रहा है। उसके विरुद्ध शासकीय कार्य में व्यवधान, लूट का प्रयास, मारपीट, गुंडागर्दी, महिला से छेड़खानी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ मारपीट, छल, उत्पादन जैसे 16 अपराध पंजीबद्ध हैं। उसके इन कृत्यों में आम जनता में अत्यधिक भय व्याप्त है। अपराधी के आपराधिक कृत्यों से चाकघाट, सोनौरी, सुहागी तथा सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के नैनी क्षेत्र एवं आसपास के लोग अपनी संपत्ति, सुरक्षा एवं कुशलता को खतरा महसूस कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अपराधी अरुण गौतम उर्फ कमांडो के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया है। मामला दर्ज हुआ था, उस पे आरोपी पकड़ा। बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर लगाने गए थे, उस दिन उनसे उनको रोक कर मारपीट की गई, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिसे देखते हुए तत्काल FIR दर्ज की गई और अरुण गौतम उर्फ कमांडो को पुलिस ने अरेस्ट किया है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड ना सिर्फ MP अपितु UP से भी प्राप्त किया गया है और उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले उनके कृत्यों को देखते हुए जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को डराते धमकाते हैं और अन्य प्रकार चक्का जाम करते हैं, सबको देखते हुए उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे कि ये संदेश जाए कि आपके पास लोकतांत्रिक तरीके हैं अपनी बात रखने के, उनको छोड़ के आप कानून अपने हाथ में लेंगे और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करेंगे तो प्रशासन और पुलिस आपसे सख्ती से निपटेगा। आरोपी को पिछले कई दिन से लगातार पुलिस तलाश रही थी, तो वो उत्तर प्रदेश चले गए थे, तो नैनी हमारी टीम में पहुंची और नैनी इलाहाबाद पुलिस के सहयोग से फिर हम लोगों ने वहां पर उनको अरेस्ट किया है।